जमशेदपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक बड़े चोरी के कांड का खुलासा कर दिया है। घटना में चोरी हुए सभी सामानों को पुलिस ने बरामद किया, साथ ही इसमें शामिल 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। गौरतलब हो कि रविवार के दिन दोपहर आजाद नगर थाना क्षेत्र के निवासी हैदर इकबाल अपने पूरे परिवार के साथ घर से दोपहर के वक्त निकले और निजी कार्य से साक्षी चले गए और इसी मौके का फायदा चोरों ने उठाया और उनके घर के छत के रास्ते घर में प्रवेश कर घर में रखे जेवरात, लैपटॉप, मोबाइल व कई अन्य सामानों की चोरी कर ली। कुल मिलाकर चोरों ने यहां 30 लाख रुपए के सामानों पर अपना हाथ साफ किया था। पुलिस ने घटने की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया और टीम ने जांच कर आजाद नगर थाना क्षेत्र के शेख अरमान एवं समीर को गिरफ्तार किया है। इनके साथ ही एक नाबालिग को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दी है। पुलिस ने चोरी हुए सभी सामानों को इनके पास से बरामद कर लिया है। जमशेदपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। कल दिनांक 1 नवंबर को मध्याह्न 2:30 बजे हैदर इकबाल नाम के व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ आजाद नगर स्थित अपना आवास से साक्षी में किसी होटल में अपने नाती को बर्थडे मनाने के लिए गए थे, तो 5:30 बजे अपना वापस आए घर पे। लेकिन घर के अंदर पूरा उनका अलमीरा वगैरह सब तोड़ के सामान बिखरा हुआ पाया गया, तो बिना विलंब करते हुए तुरंत थाना को सूचना दिए। हम लोग FIR दर्ज करते हुए थाना प्रभारी और उनके अपने पूरे टीम DSP के नेतृत्व में इसमें तुरंत छापामारी में लगे, संदिग्ध लोगों से पूछताछ किए और हम लोग को जल्दी काम करने में सफलता भी मिली है। उनके घर से जो भी चीज़ चोरी हुआ है उनके द्वारा जो FIR में लिख के दिया है सभी चीज़ बरामद हुआ जो आपके सामने है। इसमें खासकर जो भी गोल्ड का है सब आर्नामेंट और एक इम्पॉर्टेंट डायमंड रिंग है वो भी हम लोगों को बरामद हुआ है, और इसके अलावा 5 लैपटॉप और 2 टैब और छोटे छोटे जो है कान में पहनने वाले झुमका और रिंग और बाकी जो भी है जो आर्नामेंट है सभी चीज़ हम लोगों के लिए रिकवरी हो गया है। और इसमें टोटल 3 आदमी शामिल थे इस प्रकरण में, तो एक शेख अरमान, समीर और एक माइनर लड़का था। तो इन लोग से हम लोग पूछताछ किए तो इनके द्वारा ये बताया गया कि उनके घर के बगल में रहने वाले हैं। रामगढ़ जिले का एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि झारखंड सरकार द्वारा निर्मित टेक्नो इंडिया ग्रुप वन ऑफ द लीडिंग बिगेस्ट एजुकेशन के द्वारा संचालित AICTE के मान्यता प्राप्त एवं झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। वर्तमान में रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही है। रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रत्येक शाखाओं में स्टूडेंट एडमिशन सीट की संख्या 60 है। इसके अलावा इस कॉलेज में लेटरल एंट्री जो कि संबंधित ब्रांच डिप्लोमा करने के बाद एडमिशन से होता है, इसकी भी यह सुविधा है। वर्तमान समय में डिप्लोमा करने के आधार पर 25 सीटें उपलब्ध हैं। इच्छुक छात्र और छात्राएं जल्द से जल्द नामांकन कराएं। नामांकन कराने की अंतिम तिथि नवंबर 2020 तक है। अन्य कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं की अपेक्षा रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज विशेष सुविधा दे पाएगी, जो इस प्रकार है। कॉलेज फी संपूर्ण रूप से गवर्नमेंट सरकार के द्वारा निर्धारित है। कॉलेज में ST/SC/OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए स्टेट गवर्नमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप की सुविधा है। वर्तमान समय में कॉलेज वर्ल्ड बैंक फंडिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। कॉलेज में अनंतर आधुनिक सुविधा, सुसज्जित लाइब्रेरी की सुविधा, आधुनिक रूप से सुसज्जित प्रयोगशाला की सुविधा तथा कॉलेज कैंपस के अंदर संपूर्ण हॉस्टल फैसिलिटी की सुविधा है। न्यूजलैंड चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है